दैट्स ग्रेट. अगर तुम बैठ सकते हो थोड़ा सा कम फोकस करके, अगर फोकस से बाहर जाओ तब उठ जाना, ठीक है. सो आई कैन सी योर फेसेस. मैं पीछे खड़ा था, आपको देख रहा था, आराधना करते हुए लोग रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे. हैव यू एवर हर्ड अबाउट, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कर्स ऑफ टेपेकनॉय? कभी किसी ने सुना है ये कर्स? ओके, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कर्स ऑफ टेपेकनॉय? एक वर्ड है TIP, इनफैक्ट TIPP. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मत करिए अभी, इंटरनेट आप यूज़ मत करिए. बट TIPPECANOE, आपको आज दो तरीके की खाने की खुशबू आ रही होगी, एक खुदा के कलाम की और एक पीछे भी पक रहा है. सो महक लेते रहिए, इंजॉय करें. आपने कभी सुना है इस कर्स के बारे में? किसी ने सुना है? ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नया है आपके लिए. आपको मालूम है एक बार अमेरिकन्स ने इंडियंस के साथ एक ट्रीटी करी, अमेरिकन्स इंडियंस जो वहां रहते हैं उसके साथ एक ट्रीटी करी और उनसे कहा हम तुम्हें ऐसे ऐसे करके सप्लाई करेंगे, हम तुम्हारे खाने का इंतजाम करेंगे और तुम हमको ये देना, हम तुमको ये देंगे. एक ट्रीटी हो रही है, आपको मालूम इंटरनेशनली, आपको पता ना हो बट लेन देन व्यापार होता है कि भाई हम तुम्हें चावल देंगे और तुम हमको आलू देना. इट काइंड ऑफ दैट ट्रेड होता है इंटरनेशनली, अगर आपको पता है चाहे नहीं पता है. पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से गेहूं जाता है, खाद सामग्री जाती है और अलग अलग चीज़ें जाती है और वो हमको अपने देश का बेस्ट देते हैं. दिस इज द गुड ट्रेड. और आपको मालूम एक ज़माने में ऐसी ट्रेड हुई थी और आपको मालूम है अमेरिकन्स ने ये वाली जो ट्रीटी थी, ये वाली जो योजना थी उसको डिस्कनेक्ट किया और उन्होंने अपने प्रोमिसेस को इंडियन लोगों से पूरा नहीं करा, अमेरिकन इंडियंस. एंड यू नो इंडियंस आर बेस्ट इन कर्सिंग. आपको पता है हिंदुस्तान की माएँ, हिंदुस्तान के लोग सबसे अच्छे होते हैं श्राप देने में. हाय तेरे साथ ये हो जाए, तू मर जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसे करके श्राप देते हैं, ऐसे करके श्राप देते हैं. देर डिफरेंट वेज टू गिव एक्चुअली. मैंने देखा है, अगर आपने नहीं देखा, नास मुही नास पिटी, दे यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एक्चुअली. अगर आपने नहीं सुना है, मैंने सुना है. मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ इसी तरीके से ये वाला श्राप दिया जाता था और कुछ इंडियंस ने मिलकर श्राप दिया एंड दे लिटरली कर्स द व्हाइट हाउस. और आप मालूम जब व्हाइट हाउस को कर्स किया, आप अमेज होंगे कि उस जमाने में जब पहला जो प्रेसिडेंट, इनफैक्ट जो हुआ अब्राहम लिंकन, आपको पता है ना, द अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट इन अमेरिका. और आपको मालूम है एक 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 अजीब सी घटना होती थी उस व्हाइट हाउस के अंदर. 1840 में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बना, ही डाइड इन 1860. आपको पता है कि नहीं पता है, 20 सालों के अंदर अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई इन द व्हाइट हाउस. क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है? हो सकती है डेथ. फिर आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद जेम्स ए गारफील्ड करके एक, इनफैक्ट सॉरी, अब्राहम लिंकन से पहले विलियम हेनरी हैरिसन करके एक बंदा था, उसकी डेथ हुई और उसकी डेथ 1814 से 1960. अब आप कैलकुलेशन लगाइएगा, 1840 से लेके 1960 में उसकी डेथ हो गई, कितने साल हुए? ओके, 1840 लेके 1860. फिर उसके बाद जेम्स ए गारफील्ड आया, फिर 1818 में विलियम मैंकलेनी आया, वॉरेन आया, उसके बाद फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उसके बाद जॉन एफ कैनेडी, ये सारे प्रेसिडेंट्स हुए. और आपको अमेज होगा कि ये हर 20 साल के अंदर ये प्रेसिडेंट्स व्हाइट हाउस के अंदर मर जाते थे. हैव यू एवर हर्ड अबाउट कि 7 प्रेसिडेंट्स के, 7 से 8 प्रेसिडेंट की डेथ हुई व्हाइट हाउस के अंदर और वो भी 20 साल के अंदर? मुझे लगता है कि सबके लिए एक बहुत अमेजिंग स्टोरी होगी, राइट? आपने कभी सुना नहीं होगा. और आपको मालूम है इसको नाम दिया गया द कर्स ऑफ टेपेकनॉय. उसके बाद एक प्रेजेंट आया जिसका नाम था रोनल्ड रेगन करके, उसका नाम था. उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया, उसके बाद अभी हाल फिलहाल हमारे आप सबको बराक ओबामा, उसके बाद जॉय बाइडन इस समय वहां पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं. बट आप मालूम जब वहां पर एक और प्रेजेंट आया इन 8 प्रेजिडेंट्स के बाद में, तो बस को किसी ने शूट किया. और आपको मालूम जब शूट किया तो उसके लिए कुछ पास्टर्स खड़े हुए और उनको ये समझ में आया कि दिस इज नॉट नॉर्मल कि हमारा प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस अंदर के अंदर हर 20 साल के अंदर मर जाता था. एंड दे प्रेड, फिर उन्होंने दुआएं करना चालू करी और उन्होंने, उनको समझ में आया कि किसी ने श्राप दिया. इनफैक्ट कुछ लोगों से मिथ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, बट क्रिश्चियंस लोगों को समझ में आया कि दैट इज अ कर्स फॉलोइंग ऑन दैट व्हाइट हाउस. और वो सब मिलकर उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे और वहां से कर्सेस टूटने लगे. आपको मालूम है मैं अक्सर इस बात को बहुत
ध्यान से देखता हूं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, दे आर फाइटिंग विद समथिंग दैट दे डोंट फुली अंडरस्टैंड कि हम लड़ किससे रहे हैं। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं। कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो सब कुछ हासिल करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कंटेंट नहीं होते हैं। आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे कि आपने अपने साथ देखे होंगे, एक स्कूल में पढ़े हैं, एक स्कूल से स्कूलिंग ली है, एक ही टीचर रहा है, इनफैक्ट हमने इंजीनियर कॉलेज भी एक साथ ज्वाइन किया, उसके बाद हमारी कंपनी भी एक थी, बट जितनी सक्सेस उसकी हो रही है उतनी सक्सेस मेरी नहीं हो रही है। Have you ever thought what is the reason behind that? और फिर अपने आप रीजन देना स्टार्ट करते हैं, मे बी दिस इज लक, मे बी दिस इज बाय चांस। आप कई बार कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, देयर इज नो बेस्ट ऑफ लक इन द बाइबल। आपको बताना मांगता हूँ, वी यूजली यूज दिस वर्ड बेस्ट ऑफ लक, बट आप मालूम कई बार हम इस चीज को डिस्कवर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते कि वाई आई एम इन फेलियर एंड ही इज सक्सेसफुल। क्यों इसकी मिनिस्ट्री अच्छी है, क्यों इसकी खराब है, क्यों ये जॉब पाया, क्योंकि क्यों मैं जॉब नहीं पा पाया। इनफैक्ट कुछ लोग आपने ऐसे भी अपनी जिंदगी में देखे होंगे, जो देर वॉज अ लेडी इन अमेरिका, और उसको एक लेडी थी जिसके पैरों में एक चोट लगी, और मैं कई खादिमों को पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम अमेरिकन पास्टर्स, और मैंने एक अमेरिकन पास्टर की टेस्टिमनी सुनी कि उसके पास एक लेडी आई जिसके एक पैर में 3 बार उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ, एक ही पैर का। कई बार आप कहेंगे इट्स कोइंसिडेंस, राइट? आप कई बार उसको नाम देते हैं कोइंसिडेंस का, मे बी पास्टर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इट हैपन समटाइम, हो जाता है लगातार। बट आप मानो कुछ कुछ चीजें अगर आपकी फैमिली में रेगुलर पाई जाए, आपको मालूम है आप फाइट कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू फाइट। आपने अपने लिए मोटिवेशन की किताब खरीद, दैट हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, आप उस किताब को पढ़ते हैं बट स्टिल यू आर नॉट फीलिंग दैट फीलिंग लाइक मोटिवेटेड। आपको लगता है कि नहीं यार कुछ खाली है, कुछ खराब है, मैंने सब कुछ कर लिया। जॉब आने के बाद भी एक फ्रस्ट्रेशन रहती है, एक घर में आने के बाद एक डार्कनेस रहती है, देयर इज अ शैडो अराउंड मी, और मैं उससे लड़ नहीं पाता हूं, इवन दो आई एम कमिंग इन द चर्च, इवन दो आई एम रीडिंग द बाइबल, इवन आई एम लिसनिंग टू पास्टर, बट देयर इज समथिंग दैट स्टिल इज अपॉन मी। कई बार लगता है ना आपको that I am worshipping, pastor is praying for me। आपको मालूम कई बार हम निशाना बिल्कुल अच्छी तरीके से हिट नहीं कर पाते और हम उसके चारों तरफ निशान लगाते हैं बट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट मेन टारगेट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैं आपको कुछ चीजें आपको बताना मांगता हूं। आपको मालूम दुनिया में सिर्फ 2 तरीके से सामर्थ्य है, एक होती है परमेश्वर की सामर्थ्य और आपको मालूम एक होती है शैतान की ताकत। There is a power of God and there is a power of Satan. And you know altogether the word blessing and curse comes 600 times in the Bible. You know that? 600 बार परमेश्वर ने बरकत और कर्सेस के बारे में बात करी है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो कर्स रिलीज हुआ था वो फ्रॉम गॉड था। Do you know that? आपको अमेज होगा, ओ पास्टर यू ऑलवेज प्रीच द लव, द ग्रेस, द कंपैशन। कभी आपने ये क्यों नहीं बताया? I was suddenly praying literally few days back and God told me कि तुम इन चीजों को भी ध्यान ही नहीं दे रहे हो, that what is happening in your church, what is happening with that people, and you are praying and you are not getting answer because there is something that is hidden। और जो चीज hidden है वो हम कैसे देख पाएंगे? ये मौत का तांडव मेरे घर में क्यों है? ये डिवोर्स का प्रॉब्लम मेरे घर में क्यों है? ये शराब की प्रॉब्लम मेरे घर में लेगेसी चली आई है क्यों है? ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम क्यों है? मैं आज आपको कुछ चीजें बताना मांगता हूं, सुनिएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28, और आज हम इस पर थोड़ी देर बात करेंगे, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 एंड वर्स 1 to 68, बहुत लंबा चैप्टर है, बट आज इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताऊं। मैं अपनी आपको गवाही देना मांगता हूं। वन ऑफ द कर्स ऑफ माय फैमिली वॉज पॉवर्टी। आपको मालूम है मेरे घर में सब कमाने वाले थे। इनफैक्ट माय डैड वाज अ गुड बिजनेसमैन, माय मॉम वाज अ टीचर, इनफैक्ट माय ग्रैंडफादर वाज अ गुड मैकेनिक ऑफ अ गैराज, वो एक बहुत बड़ा गैराज कैरी करते थे। उसके बाद मैं अपनी बुआओं की बात करूं, देवर स्टाफ नर्सेस, मैं अपने चाचा की बात करूं, देवर इन बिजनेस, मैं अपने भाइयों की बात करूं, देवर इन गुड बिजनेस, सब कमाते थे। बट आपको मालूम है कोई बचा नहीं पाता था, कोई बचा नहीं पाता था। क्या बात कर रहे हैं, जो घर के अंदर मेंबर 8 से 10 मेंबर कमाने वाले एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। क्या रीजन है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालूम है उसके बाद मेरे घर में, और ये वाली जो पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम है, व्हेन आई इंक्वायर्ड विद माय ग्रैंड मदर व्हेन शी वाज अलाइव, मैंने उससे पूछा तो वो, आपको मालूम मेरी ग्रैंड मदर वॉज अ एयरफोर्स रिटायर्ड नर्स, वो एयरफोर्स के अंदर रिटायर्ड नर्स थी। और आपको मालूम है
कई बार हम अपनी पोजीशंस तो बताते हैं बट प्रॉब्लम्स नहीं बताते, बट आज मैं आपको उनकी पोजीशंस ही बताऊंगा और उनकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। और मैं अपनी दादी से बात कर, दादी जब आप इतने अच्छे लेवल पे थी एंड माय ग्रैंड फादर वॉज ए एंग्लो इंडियन और वो रेलवे में गार्ड थे, एंग्लो इंडियन के पास यही पोस्ट थी उस जमाने में, सो एंग्लो इंडियन वो रेलवे में गार्ड थे एंड गेटिंग ए हैंडसम सैलरी एवरीथिंग, बंगलो था उनके पास, सब कुछ था, बट वो कभी बचा नहीं पाए। फिर उनके बाद जो उनकी जनरेशन आई वो कभी बचा नहीं पाए, फिर उनके बाद जो उनकी जनरेशन आई वो बचा नहीं पाए। उसके बाद मैं जब यीशु मसीह में आया देन आई सॉ एंड आई रियलाइज देयर इज अ कर्स ऑफ पॉवर्टी ओवर माय फैमिली। और आपको मालूम ये श्राप मेरे घर में बहुत समय तक रहा। उसके बाद एक और मेरे कर्स मेरे घर के अंदर था, विल नॉट टॉक अबाउट लेंदी थिंग्स, बट आपको मालूम एक श्राप और था, मेरे घर में सारे पियक्कड़ थे। जब मैं कह रहा हूँ पियक्कड़ मतलब टल्ली हो जाने वाले लोग थे, और आज आप इस जगह बैठे हैं तो मत पढ़िएगा आप देखे सब पढ़ेंगे। आप कह रहे मेरे घर में 4 generations आई सॉ कि वो सब भयानक पीने वाले थे। यार कोई तो बचा होगा। अब आप कहेंगे अच्छा मेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल। मेरी दादी मतलब शी स्टार्ट इवनिंग विद रम मिटा दे गम, नाउ शी इज नो मोर सो आई कैन टॉक अबाउट हर, उनको बुरा भी नहीं लगेगा जहां कहे होंगे वो। आपको मालूम मेरी दादी मतलब शी वॉज रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री, अब उनका तो मतलब आप एक कितने पीने वाले को पीने का, शी वॉज रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री, तो उनको लगता था नहीं दिस इज द रॉयल थिंग दैट शी डज इट। और आपको मिली बुआ, मेरी चाचिया, मेरी बुआ की बुआ, मतलब मेरे सारे रिलेटिव मैं आपको बता रहा हूँ वो सब पीने वाले थे। और आपको मालूम मैंने ये रियलाइज करा कि ये किसी किसी का एडिक्शन हो सकता है, बट अगर ये जनरेशन में आपके फ्लो हो रही है दिस इज अ कर्स। और आपको मैंने एक और चीज देखी जो आपको बहुत अमेज होगी, मैं अपने खानदान को बता रहा हूं, अर्ली डेथ्स। मेरे घर के अंदर 40 के ऊपर कोई जिया ही नहीं है, मतलब 40 आते आते खत्म, फिनिश्ड। इनफैक्ट मेरे ताऊ, मैंने अपने छोटेपन में मैंने 3-4 डेड बॉडीज अपने सामने देखी हैं। और आपको मालूम मेरे ताऊ, मेरे 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 चाचा, मेरे लोग सबकी डेथ अर्ली 40s में होती थी, और मुझे हम लोग को पता ही नहीं, आपको मालूम है, और हमें रियलाइज ही नहीं होता था ये कर्स है, क्योंकि हम बाइबल हमने पढ़ते ही नहीं थे, हम तो बिल्कुल पीछे वाले क्रिश्चियन थे, हम चर्च जाते ही नहीं थे, हमें कलाम की नॉलेज भी नहीं थी। और इनफैक्ट कलाम कई बार आप पढ़ते तो कई बार शैतान आपकी आंखों को बंद कर देता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी आंखें मैं खोलता हूं ताकि तुम समझ सको तुम क्या पढ़ रहे हो। समटाइम वी रीड द बाइबल बट वी डोंट अंडरस्टैंड। और आप कहो ये मेरे अर्ली कर्सेस थे हमारी खानदान के ऊपर जो 40s के अंदर डेथ होती। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम कि 5 widows हमारी दादी के घर में एक साथ रहती थी। और आपको मालूम ये एक बैड ओमन होता है अनजातियों के लिए, अगर विधवाएं होती है तो उनकी नई दुल्हन को वो अलाउ नहीं करते हैं कि उस जगह देखे, बिकॉज दे फील कि ये इनके ऊपर श्राप आ जाएगा। और आपको मालूम व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ टाइम कि जब 5 विधवाएं स्त्रियां हमारे घर के अंदर रहती, जिस घर में मैं रह रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा था आपको, मैं बहुत छोटा था। और आपको मालूम एक लेडी, एक लड़की की नई नई शादी हुई, उस घर के अंदर आई और उसकी डेथ हो गई, तो वो रीजन देने लगे कि बिकॉज ऑफ दैट कि ये यहां पर रहती हैं और ये कर्सेस हमारे शहर के अंदर मोहल्ले के अंदर फैला रही हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या नेगेटिव रहता होगा, सबके हस्बैंड डेथ हो गए, वो एक साथ बैठी हैं, दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर लाइफ, क्या करें जिंदगी के अंदर सब खत्म हो चुका है। आपको मालूम देयर वाज अ कर्स ऑन माय फैमिली अर्ली डेथ्स। और आपको मालूम है एक और जो मेरे फैमिली के ऊपर कर्स था, मैं आपको बताना मांगू, इवन दो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली बट आई डोंट फील शेम टू टेस्टिफाई व्हाट हैपेंड टू माय फैमिली। कई बार हम सब अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं अपनी फैमिली की, राइट, मेरे पापा ये थे, मेरी आंटी ये थी, मेरे अंकल ये थे, बट वी विल टॉक अबाउट द बैड थिंग्स। लेट मी टॉक अबाउट द बैड थिंग्स। आपको मेरे फैमिली में एक और कर्स था और वो था द ऑलमोस्ट द पीपल वर डीमन पोजेस्ड, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे घर के अंदर दुष्टात्मों से भरे हुए थे। इनफैक्ट आई वॉज अ किड एंड आई सॉ द कैट्स, आपको मालूम बिल्लियाँ, कई बार आपको लगता होगा बट हमारे घर में इतनी बिल्लियाँ इतने ऑड एंगल पर देखी गई हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आपको मालूम अक्सर वो हमारे घर में कहीं नहीं बट हमारे घर में आके रात को रोती थी, एंड व्हेन दे क्राई लाइक अ बेबी, यू नो, आप गूगल कर लीजिए, वो रात में बड़ा डरावना हो जाता है माहौल। और आप मालूम है मेरे घर में ये कर्स था कि दुष्ट आत्माएं जिन जिन्नात हमारे फैमिली के कई लोगों को लेकर चले गए, बट वन डे गॉड हैज चोजन मी, एक दिन यीशु मसीह ने मेरा चुनाव किया एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड आई स्टार्टेड ब्रेकिंग द कर्स कि खुदा बाप अब से ये कर्स मेरे खानदान पे नहीं चलेगा। व्हाट आई हैव लॉस्ट
जो मैंने लॉस्ट कर दिया इग्नोरेंस में, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं समझता था, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग द होली स्पिरिट रिवील दो स्क्रिप्चर ऑन मी, देन आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड ब्रेकिंग दो कर्स। और मैंने सबसे पहले अपने पापा के लिए दुआ करी, जो आखिरी सात बच्चों में, सात लड़कों में आखिरी बच्चे हैं, और आपको मालूम सबको लगता था इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर माय डैड, और मैं अपने पिता के लिए प्रार्थना करने लगा, और वो आज भी जिंदा हैं। I started praying for his habits. I started praying for all the curses, the demon curses, the poverty. मैंने कहा खुदा बाप, मेरे खानदान में कोई भी मकान नहीं बना पाया आज तक। आप बिलीव करेंगे हैंडसम सैलरी, बट they're not able to make the houses. और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती थी, बट आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड ब्रेकिंग दोस कर्स। मैंने उन शापों को तोड़ना स्टार्ट किया, और मैं धन्यवाद देता हूं खुदा बाप ने इस पुणे शहर में इतनी बड़ी लैंड खुदा के घर के लिए हमको दी। आपको मालूम है आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई जनरेशन एबल टू बाय दिस लैंड। आपको बताना इतना मांगता हूं, देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू सी। आपकी टूटी हुई, इनफैक्ट मैं जस्मी से बात कर रहा था कल रात को, and she was telling कि इसके घर में divorces का curse था, इसके घर में divorces का, इसके खानदान में कई लोगों का अचानक divorce हो जाता था, और पता reason नहीं आता था कि यार क्यों divorce दिया। There has to be reason। आपको मालूम कई बार reason होते थे, कई बार reason नहीं होते थे, but divorces भी एक curse हैं। आपको मालूम लगातार बीमार पड़ते जाना, पड़ते जाना, पड़ते जाना is a curse। और ये सब चीजें आने वाले महीनों में, I named this month a month of breakthrough। मैंने इस महीने को नाम दिया है कि दैट वी विल प्रे फॉर आर्चर। इट इज समथिंग डिमोनिक, इट इज समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल। और आपको मालूम कई बार हमको लगता है हो गया होगा, पता नहीं क्यों हो रहा है, आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी इज गेटिंग इल। बार बार वो बीमार क्यों पड़ रही है, बार बार उसके संग ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बार बार एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, बार बार ये ट्रेजिडीज क्यों हो रही है, बार बार ये बच्चा गुस्सा क्यों करता है। आपने कभी सोचा आपको बच्चा इतना गुस्सा क्यों करता है, क्यों फ्रस्ट्रेट रहता है, क्यों एंग्जाइटी में रहता है? और आपको मालूम कई रीजन हम ढूंढते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट थिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। एंड बाइबल टॉक्स अबाउट दैट इज अ कर्स एंड ब्लेसिंग। ये कर्सेस होते हैं और ये बरकतें होती हैं। आपको समझ में आता है यार ये बंदा कहां से कहां निकल गया, मेरे दोस्त कहां से कहां निकल गए, एंड आई एम स्टिल इन दैट प्लेस। आर यू नॉट, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जेनरेशनल कर्स हो? और ये बिब्लिकल है। मैं आज आपको सारी बातें वर्ड ऑफ गॉड से बताऊंगा धीमे धीमे करके। अब सुनिएगा द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 15, इट सेज लाइक दिस। पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 15-17 तक पढ़ेंगे, और आपको मालूम है यू हैव टू अंडरस्टैंड why the depression is there, why the failure is there, why the illness is there, why the thing, aapko do cheeze hoti hai, even the curses and the demons are after that, and we are going to pray for that। hum unko todenge, hum unko hatayenge, aur aapke liye dua karna start karenge। let's talk about blessing first। pehle barkat ki baat karte hain, aur barkat kya hoti hai? genesis chapter 22 and verse 15 to 17 it says like fir yehova ke doot ne dusri bar swar se ibrahim ko pukar ke kaha, chalo mic ko pakad lo। हाँ। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है, दिस इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने ही वह शपथ खाता हूँ, आई एम टेकिंग माई ओन ओथ, ये दूत ने जो ये काम किया है जी, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को इब्राहिम वाज अबाउट टू सैक्रिफाइस हिज सन एंड गॉड से वाओ यू ओबेड मी लाइक एनीथिंग। आपको मालूम है अब्राहम का जो ओबीडियंस था वो एक नेक्स्ट लेवल का ओबीडियंस था। मैं आप सच बताइएगा ईमानदारी से, अगर खुदा आज अपने बच्चे कुर्बान करने कहेगा, विल यू एबल टू, क्या आप चाकू लेके अपने बच्चे के गले पे फिराना चाहेंगे? नहीं ना, मुझे मिला के, आई एम नॉट ऑन दैट लेवल, मैं नहीं कर सकता खुदा बाप। बट अब्राहम वॉज द मैन ऑफ फेथ। व्हाई गॉड ब्लेस्ड अब्राहम? बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस। Wow, what's the next level obedience? क्योंकि उसका मालूम था जो यहोवा इतने सालों के बाद दे सकता है, मेरे बच्चे को फिर से जिंदा कर सकता है, वो कोई उपाय करेगा, but I have to obey my God। और आपको मालूम he obeyed God, लिखा उसने बात मानी, and God was so happy, he's saying I'm gonna bless you, I'm gonna bless you, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और बरकत सुनिएगा क्या थी, जी हाँ, इस कारण there is a reason, blessing is always there is a reason। लोग कहते हैं भैया बरकत क्यों नहीं मिलती, लोग से कहते भैया why I'm not blessed in that area, why I'm not blessed in my marriage, why I'm not blessed financially, why I'm not blessed in that area, why the divorces are taking place, why this illness is there। आपको there is always a bless, there is always a reason behind blessing, and what was the reason? He saw his obedience। वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर की बात मानता था।
Right, church? Yes. The blessing will come when you'll obey God. And there is a blessing. I will bless you and multiplying. I will multiplying your descendants. Can you say descendants? Descendants. तेरी जनरेशन को ब्लेस करूंगा. और आपको मालूम है, ब्लेसिंग ऑलवेज गोज इन योर जनरेशन. वॉट यू आर ओबेइंग राइट नाउ वाइल यू आर कमिंग इन द हाउस ऑफ गॉड, व्हेन यू आर गिविंग योर 10%, व्हेन यू आर वर्शिपिंग गॉड, व्हेन यू आर ओबेइंग गॉड, इट विल फ्लो इन योर जनरेशन. मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे आशीष को देखेंगे, बच्चों के बच्चे आशीष को देखेंगे. एंड बाइबल सेज आई विल ब्लेस नॉट ओनली यू बट योर डिसेंडेंट्स. योर सीड इज ब्लेस्ड, समटाइम्स द सीड इज नॉट ब्लेस्ड. और क्या लिखा यहां पे, उसने कहा आई विल ब्लेस यू एंड मल्टीप्लाइंग, आई विल मल्टीप्लाइंग योर डिसेंडेंट एज द स्टार्स ऑफ द हेवन, एज द सैंड व्हिच इज ऑन द सी शोर, एंड योर डिसेंडेंट शैल पोसेस द गेट ऑफ their enemies. आपको मालूम है, कई बार आपको पता नहीं लगता ये बरकत आपके ऊपर क्यों है. हो सकता है आपके माता पिता विश्वासी थे और आपको पता नहीं होगा, बट आपके बच्चे जब कॉन्कर कर रहे होंगे वो कहेंगे पापा आई डोंट नो हाउ आई एम डूइंग दिस, इट जस्ट बिकॉज यू आर ओबेइंग गॉड एंड ब्लेसिंग इज कमिंग अपॉन योर जनरेशन. बोलिए आमेन. आपको मालूम बरकत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और बरकत ना केवल अब्राहम के ऊपर थी बट इजहाक के ऊपर थी. आपको मालूम 18th वर्स पढ़िए क्या लिखा. जी हाँ. और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी. इन योर सीड ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड. व्हाई वी आर ब्लेस्ड? बिकॉज अब्राहम ओबेड, यू नो दैट, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है. व्हाई वी आर ब्लेस्ड? बिकॉज अब्राहम ओबेड. एंड इन फेथ वी आर ब्लेस्ड बिकॉज अब्राहम ओबेड. आपको मालूम उसने अपना बच्चा तक नहीं छोड़ा, और इसलिए खुदा बाप हमको उसके अंदर ब्लेस करता है. And the Bible says, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. There is obedience. There is always obedience. It is very important to notice the reason for the blessing, because Abraham obeyed God's voice. एक और आपके लिए पद्म बढ़ना मांगता हूं जो आपको मिलेगा, जेनेसिस चैप्टर 27 एंड वर्स 33. टुडे वी विल टॉक अबाउट, दिस मंथ वी विल टॉक अबाउट द ब्लेसिंग्स एंड द कर्स, द डीमंस, वी विल टॉक अबाउट दैट. हम उसके ऊपर बात करेंगे और खुद बाप में ब्रेक थ्रू आएंगे. जो बीमारी बहुत समय से आपको छोड़ नहीं रही है और डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं ये दवाई देखकर देखते हैं, आपको डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, वो डायग्नोस करता है, आपको 3 दिन दवाई देता है, और 3 दिन के बाद आपको पता क्यों बुलाता है, इसलिए बुलाता है अगर वो दवाई काम नहीं करी लेट्स चेंज द मेडिसिन. और फिर 3 दिन काम नहीं करती, फिर आपको कुछ टेस्ट बोलता है, और उस टेस्ट में नहीं आता फिर आपको और ऊपर के टेस्ट बोलता है, और आपको वो भी डिस्कवर करता रहता है व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम. और आपको कई बार सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं लगता है व्हाट इज द प्रॉब्लम. आई हैव सीन मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ क्योंकि डॉक्टर को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था. आपको मालूम है जो नेचुरल चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें हैं जो सुपर नेचुरली होती हैं, और आपको मालूम उनको आप नेचुरल आंखों से देख सकते. वी नीड होली स्पिरिट टू रिवील ऑन अस फादर व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज, दिस गाय इज वेरी गुड, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू हिम, क्यों हो रहा है इसके साथ, किस लिए हो रहा है. आपको मालूम है एक पद पढ़े, जेनेसिस चैप्टर 27 एंड वर्स 25, इट सेज लाइक दिस. यस 27 का 25 पढ़े. यस. तब उसने कहा भोजन को मेरे लिकट ले आ जी, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं. आपको मालूम है आइजक अपने बच्चों को बरकत देने लगा, और आपको मालूम जब वो बरकत देने लगा तब उसने कहा फर्स्ट गो एंड हंट फॉर मी. हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? अब मुझे लगता है कि इजहाक जब बरकत दे रहा था तो उसको एक कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी. बट आपको मालूम है ये वाली जो ब्लेसिंग, जिस ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट ए विशफुल थिंकिंग. जैसे कई बार हम किसी को बरकत देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर, मे गॉड गिव यू कार, मे गॉड गिव यू बिल्डिंग. दिस इज नॉर्मल काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो हमारा दिल करता देने का, राइट? हमें मन करता है हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रखे, हम दुआ करें. बट ये जिस ब्लेसिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये डायरेक्ट फ्रॉम गॉड होती है. इस प्रोफेसी की मैं बात कर रहा हूं, ये डायरेक्ट फ्रॉम हेवन होती है, और ये उसी समय के लिए उतरती है, और आप इसको अनसे नहीं कर सकते, आप इसे अंडू नहीं कर सकते. मैं आपको आज बताऊंगा पता है क्यों. अब पढ़े कलाम में क्या लिखा है. लिखा है इसके 2 बेटे थे, एक का नाम एसाव था और एक का नाम याकूब था. पढ़ा है आपने?
और लिखा है ये दोनों बच्चे इसके बेटे थे, बट इसहाक ने डिसाइड किया आई विल ब्लेस एसाव, मैं एसाव को ब्लेस करूंगा। और उसने कहा एसाव, एसाव कौन था? एसाव हंटर था। लिखा है कि ये शिकार पे जाया करता था और अपने पापा के लिए बेस्ट चीजें मार के लाया करता था। और एक दिन डैड ने डिसाइड किया, मतलब पूरी जिंदगी कभी इससे ब्लेस नहीं किया अपने बेटे को, आपको मालूम है, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं है। मैं आप, आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल ब्लेसिंग एंड द प्रोफेटिक वर्ड फ्रॉम गॉड? ये नॉर्मल वर्ड नहीं, वरना ये रोज देता। हम क्या क्या प्रॉब्लम, इसको कह दो, अच्छा इसको भी कह दो, इसको भी कह दो, ये ऐसा नहीं होता। ये स्पेसिफिकली किसी किसी के लिए वर्ड आता है आसमान से, एंड यू शुड प्रे द लॉर्ड गिव मी माय वर्ड टू मी, द स्पेसिफिक वर्ड। और आपको क्या लिखा है, उसने बरकत दी और उसने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ। और लिखा है कि याकूब की माँ होशियार थी, चला थी, इनफैक्ट दैट वाज अ प्लान ऑफ गॉड। और लिखा है याकूब को एसाव के जैसा बनाया, उसके पिता की आंखें धुंधली थी और उसको समझ नहीं आता था कि क्या कौन है कौन नहीं है। और याकूब ने चलाकी से एसाव की ब्लेसिंग्स को लिया। और सुनिएगा, ब्लेसिंग्स जब ली तो क्या कहा, आगे बढ़े, कि मैं हेर की मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। और मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक स्पेसिफिक ब्लेसिंग के लिए एक ओबीडियंस होती है, राइट चर्च? यहां पर उसने ये कहा ऐसी ब्लेस नहीं करूंगा, फर्स्ट गो एंड हंट, मेक द मीट फॉर मी, व्हेन आई विल बी सैटिस्फाइड आई एम गोना ब्लेस यू। ओबीडियंस, कम ऑन चर्च, बोलिए ओबीडियंस। ओबीडियंस वो आपका स्पेसिफिक प्रोफेटिक वर्ड लेकर आती है, ओबीडियंस, आपको पता है। और लिखा इसने ओबे किया और लिखा एक वर्ड आया, आगे पढ़े जी। तब वे उसके निकट ले आया और उसने खाया और वे उसके पास दाक मधु भी लिया और उसने पिया जी। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम, निकट आके मुझे चूम, आगे पढ़े। उसे निकट जाकर उसको चूमा जी, और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद दिया कि देख देख। अब आशीर्वाद सुनिएगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, आई नो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, बट लिसन केयरफुली क्या लिखा है जी, माइक ऊपर। देख देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत के सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है, जिसे यहोवा ने आशीष दी है, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज। ये प्रोफेटिक वर्ड था, ये डिवाइन वर्ड था जो याकूब के ऊपर आ रहा था, दैट्स अ रेमा, दैट्स काइंड ऑफ वर्ड, डोंट कम यू, ऐसे नहीं आते हर दिन आगे। अच्छा कोई कोई मेरे पास दुआ आता है दुआ कराने, मैं एक सिंपल दुआ करता हूँ, खुदा बाप इसे बरकत देना, इसकी सेहत में दुआ करना, इसकी जॉब में बरकत देना, बट आपको मालूम एक रेमा होता है, एक प्रोफेटिक वर्ड होता है। और ये खुदा बाप कभी कभी आपको मालूम है जो वो चुने हुए लोग होते हैं उसके, जो उसकी राहों पे वफादारी ईमानदारी के साथ चलते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, खुदा बाप उनके लिए प्रोफेटिक वर्ड भेजता है, ब्लेस करता है उनको। आपको मालूम कार आपके पास भी है, कार बाहर वालों के पास भी है, मकान आपके पास है, मकान बाहर वालों के पास भी है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ ब्लेसिंग, हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट, व्हाट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द बाइबल? उनके पास जो है वो मेरे पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सीड इज ब्लेस्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिसेंडेंट्स विल बी ब्लेस्ड, देयर विल बी नो कर्स। You never know how many curses they are carrying outside. आपको पता ही नहीं उनने कैसे पैसा कमाया है, आपको पता नहीं generational curse लेके वो लोग घूमते रहते हैं, और आपको पता नहीं लगता उनके खानदानों में क्या चल रहा है, बट आपको मालूम जिस blessing की बात मैं कर रहा हूँ वो बहुत specific है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उसने bless किया, उसने कहा आकाश की ओस तुझ पर गिरे, आगे पढ़ें। Yes. So, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज जी, और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे, खुदा बाप तुझे ब्लेस करे, आगे पढ़े। राज राज्य के लोग तेरे अधीन हो, राज राज के, you will reign over people, आगे पढ़े। और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, तुझे दंडवत करे, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तू अपने भाइयों का स्वामी, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। Wow, the blessing is coming up, you know why? Because he was obedient because of his mom. और आगे बढ़े क्या लिखा जी, जो तुझे श्राप दे, और आपको मालूम एक बरकत और दी गई, जो तुझे श्राप दे, सो आप ही श्रापित हो, वो भी श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे, और जो तुझे आशीर्वाद दे, सो आशीष पाए, वो आशीष पाए। हम इसके ऊपर फर्दर स्टडीज में बात करेंगे कि ये वाली बात क्यों कही थी परमेश्वर ने। आपको मालूम है व्हेन यू आर चोजन अपॉइंटेड, और आज जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आप सबसे ज्यादा टारगेटेड होते दुश्मन के, पता है आपको। You are not normal people sitting in the house of God, but खुदा बाप आपके लहू से खरीदता है, अपने बेटे का उसने आपके लिए जान दी है, और आप बिल्कुल हाईलाइट होते हैं। फिर कैसे हाईलाइट होते हैं, आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करिए, आप कहते हैं भैया जब से यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, कुछ कुछ लोग मेरे पास आ कहने लगे भैया पहले बहुत अच्छा था बट जब से यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी है, पता है क्यों, क्योंकि आप टारगेट में आ गए हैं, आप उसकी रेंज में आ गए हैं। और सुनिएगा, इसीलिए उसने एक सेफ्टी कवच दिया, दोज़ हू विल कर्स यू दे विल बी कर्स्ड।
और जैसे लोग आपके खिलाफ कोई बात कहते हैं, they are automatically cursed. This is the one of the reason people are cursed, talking against the people of God. आपको मालूम है कर्स क्यों आता है? ब्लेसिंग के बीच में आपको कर्स भी समझाता हूं, क्योंकि आपको मालूम जब लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में ले जा रहा था, उसने कहा चूज बिटवीन कर्स एंड ब्लेसिंग. आज आपको बताना मांगता हूं, एंड दिस गोइंग टू बी अमेजिंग टीचिंग. सुनिएगा, कभी आपने सोचा है कि आपने खुदा के लोगों के लिए क्या कहा है? बड़े खराब होते हैं भैया ये लोग. क्रिश्चियन पीपल आर बैड पीपल. जूश, दे डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट. हैव यू एवर गॉसिप्ड बिहाइंड द गॉड्स पीपल? कभी आपने सोचा है कि ये चीजें कर्स ला सकती हैं? क्या लिखा है? याकूब, अगर कोई तुझे कर्स करेगा, आई एम गोना कर्स देम. और कई बार अनजाने और जाने में वी ऑलवेज टॉक अबाउट बिहाइंड द मैन ऑफ गॉड, द पीपल ऑफ गॉड, बिहाइंड जूश पीपल, यहूदी लोग जैसे भी हैं, बट आपको मालूम देर आर स्टिल इन कवनेंट. आपको अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, देर गॉड चूजन पीपल. And many times we talk about, अरे भैया उसके बारे में हम जानते हैं, अरे वो सिस्टर के बारे में हम जानते हैं, उनकी बात मत करिए. कई बार जब हम मिलते हैं, we talk behind, आपको मालूम ये क्या होता है? ये curses लेकर आते हैं चर्च. और मैंने बड़ी गौर से देखा है, कई बार ये mistakes मुझसे भी हुई हैं, and then I realize, Lord, I am really sorry, I was not knowing, मैं समझ ही नहीं पा रहा था. And why this is happening? Because you talk behind someone. Stop talking behind the people of God. It will bring curse on you. It is not good. Pray for them, love them, encourage them, but don't curse them. किसी के बारे में खराब चीजें मत कहिए. लिखा आगे पढ़िए, आपको पता क्या लिखा है. अब देखिए ये बरकत किसे मिलेगी? याकूब को. बोलिए याकूब. Come on, can we shout and say याकूब? Jacob was blessed, highly favored from his father because of that food he brought from his mother. और लिखा है जब उसकी माँ के पास से जब वो खाना लेकर आया, अब इसहाक आया है. इसहाक कौन है? इसाव आया. इसाव कौन है? याकूब का भाई है, राइट? अब उसके वर्ड्स पढ़िएगा, जेनेसिस चैप्टर 27 एंड वर्स 33. इट सेज लाइक दिस, उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय. तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, अब इसहाक आया है. इसहाक हंट करके लाया है. याकूब चलाकी से ब्लेसिंग्स लेकर चला गया. दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड कि खुदा बाप याकूब को ब्लेस करे. और इसहाक आया. इसहाक मेहनत करके आया है, हंट करके आया है, उत्तम भोजन लेकर आया है. उसका पिता आज उसे बरकत देगा, उसका बाप उसे आज बरकत देगा, उसका पिता उसे बरकत देगा. वो लोग तरसते थे कि वो कुछ कह दे, क्योंकि उनको मालूम था ये साधारण ब्लेसिंग नहीं होती थी, ये जनरेशनल स्किल ब्लेसिंग होती थी, ये कुछ ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे. एंड बाइबल सेज दैट गेट्स ऑफ एनिमी विल नॉट प्रिवेल ऑन यू. ये उस तरीके की बरकत होती थी. और आपको मालूम क्या लिखा हुआ है?